हनुमान जी की ये विहंगम मूर्ति करोल बाग विधानसभा की पहचान है। करोल बाग विधानसभा में दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है। हमने यहाँ के कारोबारियों से बात की, यहाँ के कारोबारियों ने हमसे यहाँ की कई समस्याएं बताई। ये वो समस्याएं हैं जो यहाँ के चुनावों में स्थानीय मुद्दे होते हैं। यहाँ के लोगों से हमने समस्याओं के बारे में बात की, राजनीति के बारे में बात की, चुनाव के बारे में बात की और नेताओं के बारे में भी बात की। यहाँ कई लोगों ने अपने विधायक विशेष रवि की तारीफ की तो कई ने उनकी कमियां भी गिनाई। समस्याएं सरकार की तरफ से हमें कोई बहुत सहूलियतें नहीं मिल रही, जिससे आपसे सरकार की तरफ से रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कपड़ा बनाते हैं, लगभग हम 300 रुपये से लेकर 700 रुपये में हम जींस या मार्केट में प्रोवाइड करा देते हैं। बहुत अच्छी जींस होती है, उसके लिए हमें सरकार से सहूलियतें चाहिए। ग्राउंड लेवल की मेन बहुत सारी समस्याएं हैं कि हमारा बाज़ार गवर्नमेंट ने बसा करने दिया, हमारे ही व्यापारियों ने एक मकान टूटा चार दुकानें बनाई, एक मकान टूटा चार दुकानें बनाई, और करते करते आज हमारी मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट बन गई है। इस मार्केट को देखते हुए जो सरकार की तरफ से सहूलियत मिलनी चाहिए वो उसके मुकाबले कम है। पार्किंग हमारी फेथ एकेडमी स्कूल के साथ लगती है, जो हमारी मार्केट उसमें अच्छा अपना योगदान देती है, जिसकी वजह से आने वाले व्यापारी को दिक्कत नहीं होने देते हम, उनकी गाड़ियाँ अच्छे से पार्क हो पाती हैं। शौचालय की बात करूँ तो हमारी एसोसिएशन ने ही मार्केट में 3 शौचालयों को टेक ओवर करके बहुत अच्छे से बनाया है, उनका रख रखाव भी मार्केट एसोसिएशन देखती है। ये हमारी मार्केट बहुत अच्छी मार्केट थी और बहुत अच्छा लोगों का काम चल रहा था, मगर इस टाइम जब से सरकार चेंज हुई है, उसके बाद दूसरी बार सरकार चेंज हुई है, कारोबार का एकदम भट्टा सा बैठ गया। और बाहर से इन्होंने कहा था कि माल आएगा नहीं, बांग्लादेशी बहुत माल आ रहा है, यहाँ के व्यापारियों की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो गई है कि लोगों को बोनियों के लाले पड़ गए हैं, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, कोई काम कोई धंधा नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत बुरी हालत हो रही है। व्यापारी मार्केट के अंदर आगे राजी नहीं है क्योंकि माल आगे बिक नहीं रहा और माल जो मिल रहा है वो बाहर से आके सस्ता मिल रहा है यहाँ की मार्केट से। सर, आम समस्या आप देख सकते हैं, ट्रैफिक, सफाई, ऊपर से मेन रोड पे इतना जाम लग जाता है, ऑटो TSR यहाँ पर तंग इतना करते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत इनकी है। पार्किंग की समस्या, जो भी बंदा आता है गाड़ी यहाँ पर पार्क करके छोड़ कर चला जाता है कि अपनी जगह ही है, व्यापार क्या करेगा, व्यापारी क्या दुकान के आगे लाख लाख दो दो लाख रुपये किराए है भरते हैं, क्या करे। देखो, नेताओं की बात करोगे, नेता हम एक फ़ोन करते हैं वो आके एक पैर पे खड़े होते हैं, चाहे MLA हो चाहे सांसद हो, एक पैर पे खड़े होकर काम करवा देते हैं। समस्या सड़कें ठीक नहीं हुई अभी तक, काम चल रहा है, रुका पड़ा है। दूसरा, वायरिंग हो गया 1.5 महीना होने वाला है, इसको 1 महीने से ऊपर हो गया है। और सड़कों पर जो तारे देख रहे हो आप, बिजली की तारें इतनी सारी हैं कि अगर कल को मार्केट में कुछ भी हादसा होता है या आग बुझाने की गाड़ी आती है तो सबसे पहले हमें तारें उठानी पड़ती है, तारे लटकी रहती है, उसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे नहीं जा पाती है। नहीं, एक मेन समस्या जो रोड की थी वो रोड काफ़ी हो चुकी है, और थोड़ी बहुत सीवर की थी वो भी ठीक हो चुकी है। पार्किंग के इशू था, वो भी सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया है, ठीक है। करोल बाग की तस्वीर, सबसे बड़ी समस्या है बिजली के बेतरतीब फैले तारों की। इस क्षेत्र में पड़ताल के दौरान हमने पाया कि यहाँ का मेन बाजार हो या रिहायशी इलाका, हर जगह बिजली के तार खतरनाक तरीके से बिखरे पड़े हैं। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र का गोविंदगढ़ का ये इलाका है और यहाँ की हालत क्या है आप देख सकते हैं, तारों को आप हाथ से छू सकते हैं, इतना ये नीचे है। और देख सकते हैं जहाँ भी आप नज़रें दौड़ाएंगे आपको तार ही तार, तारों का जो जंजाल है वो नज़र आएगा। आप बताइए साहब, ये तार ऐसे ही लटके रहते हैं? सर, ये जो यहाँ पे मार्केट के अंदर इतना तारों का जो जंजाल आप देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। एक तो इससे सबसे पहले आग लगने का डर है, मार्केट के अंदर वैसे भी इतनी कंजस्टेड है ये कि इसमें यहाँ पर फायर की गाड़ियाँ आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इससे सबसे ज़्यादा तो फायर की प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें कोई भी इंसिडेंट हो सकता है आए दिन, यहाँ के लोग कोई भी इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं है इसके ऊपर। कई बार हमने कंप्लेंट करी है, मार्केट एसोसिएशन में भी बोला गया, लेकिन कभी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले गया आज तक। दुकानदार चाहते हैं कि तारों का समाधान अच्छा निकले, जिससे कि किसी बंदे को किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, ना आज हो ना आने वाले समय में हो। बहुत समय से परेशानी है जी, आग लग जाती है कई बार, यहाँ बंदर चढ़ जाते हैं ऊपर, और कई बार जो आपके यहाँ आग लग जाती है, कई बार परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि हम इससे परेशान बुझा हो जाते हैं। आग लगने से खतरा आग कर रहता है दुकान के ऊपर, वहाँ से नीचे पतंगा गिरेगा तो नीचे आग लग जाएगी, और जो कोई ट्रक निकलता है, बस निकलता है, उससे तारें टूट जाती हैं, उससे नीचे गिरने बाद तब परेशानी हो जाती है कई बार। नेता लोग क्या करें? नेता लोग कोई कुछ नहीं करता जी।
केवल आते हैं और देख के चल जाते हैं, इस बार करवाएंगे इस बार करवाएंगे, कोई ककराजी नहीं है। नज़रें आप दौड़ाएं, हम चाहते हैं कैमरे के मार्फत आप पूरे इस नज़ारे को देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो तारों का जंजाल है वो बना हुआ है। केबल के तार हैं, टेलीफोन के तार हैं, बिजली के तार हैं, सभी यहीं पे हैं और लटके पड़े हैं बेतरतीब ढंग से। और आलम यह है कि अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता है तो जो आग बुझाने की गाड़ी है उसको भी यहाँ पे आने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि शिकायत तो उन्होंने कई बार की है लेकिन उस शिकायत का कोई असर नहीं हुआ है। और जाहिर तौर पर अब चुनाव दोबारा आने वाला है, देखते हैं यहाँ की जनता क्या देखती है, क्या सोचती है और क्या करती है।